पजल का चैप्टर का दो कुछ सम्स हैं सर्कल के, जिसके कि इनसाइड और आउटसाइड ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। आज हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था कि हम लोग जब भी मिलेंगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, तो स्क्वायर करेंगे, ट्रायंगुलर करेंगे, और ये हमने सोचा था करेंगे इनसाइड आउटसाइड प्लस मिक्स करेंगे। बट मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जिससे पहले हम लोग जो मिक्स पजल होते हैं उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। YouTube यूज कर दो अपना, ये व्हाट्सएप किधर है क्वेश्चन? हाँ चलो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे अनसर्टेन नंबर का जो टाइप है ना, अनसर्टेन नंबर ये मैंने लिखा के दिया, तो ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट बताइए, ये मैंने लिखा के दिया था ना टाइप, अनसर्टेन नंबर होते हैं जिसमें नंबर नहीं होता फिक्स कि कितने लोग रहेंगे कितने लोग नहीं रहेंगे, यस सर, यस। ठीक है। देखो यहाँ पे इसको क्वेश्चंस में ना, जैसे कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, जैसे हमने यहाँ पे सर्कल के क्वेश्चंस किए थे, सर्कल के क्वेश्चन में बताया था कि आपको 8% बैठते हैं, तो हम लोग 8% को यहाँ पे पुट करते थे। लेकिन ये अनसर्टेन नंबर में इसमें ये डेफिनेट नहीं है कि इसमें कितने बंदे बैठे हैं और कितने नहीं बैठे, तो इसको रैंडमली जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको वैसे ही टैकल करना है हमें। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपको बोला है अनसर्टेन नंबर आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्ट्रेट लाइन बना दो और आपके मन के मुताबिक उसमें 8 बंदे बिठा दो या 6 बंदे बिठा दो, 9 बंदे बिठा दो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो मैं अनसर्टेन नंबर टाइप के क्वेश्चंस को ले लेता हूँ, यहाँ पे ये यह वाला टाइप कवर करता हूँ मैं। यहाँ पे देख लो एक बार मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा, फिर आप लोग भी सॉल्व करिएगा। चलिए मेरे साथ लिखिए यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। हाँ नए स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी ये मैंने पढ़ाया है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनका हुआ है थोड़ा बहुत। नए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, आप यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन बोला है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन बोला है, तो नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जनरली ये सिटिंग में यूज होता है, सिटिंग वाले पजल में, जैसे ये सिटिंग पजल है ना, तो ये सिटिंग वाले पजल में यूज होता है। देखो नॉर्थ का मतलब क्या होता है, अगर आप नॉर्थ फेसिंग करते हो तो आपका जो ये हैंड होता है ऑलवेज राइट होता है, मतलब राइट साइड, और ये हैंड आपका होता है ऑलवेज लेफ्ट साइड। जैसे आप अभी देखो नए स्टूडेंट, आप आपके बुक की तरफ देख रहे हो, तो आप अपने बुक की तरफ देख रहे हो, तो देखो ये आपका राइट हैंड यहाँ पे हुआ ना, बताइए, यस और लेफ्ट हैंड यहाँ सर, पे हो गया, ये हो गया यस। नॉर्थ में। अगर यही बात हम साउथ में करते हैं, अगर साउथ में, तो आप साउथ फेस करोगे, तो देखो यहाँ पे टर्न मार लो, तो ये हो गया आपका लेफ्ट, लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट, अपोजिट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन बोला है, नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन बोला है तो आप इतना समझ जाओ कि अगर राइट की पोजीशन लेनी है तो आपको ये साइड जाना पड़ेगा, जैसे ये देखिए नॉर्थ में यहाँ पे ये साइड जा रहा है। अगर आपको लेफ्ट की पोजीशन लेनी है तो आपको ये साइड का पोजीशन लेना पड़ेगा। क्लियर है इतना? नए स्टूडेंट्स बताइए क्लियर है क्या? यस सर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, यस इतने सर, इतना पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए आप, ये ऊपर कॉर्नर पे नोट डाउन कर लीजिए एक रेफर करने के लिए। हो जाएगा तो बताइए मुझे।
हो गया, रफ कर दूं नए स्टूडेंट, इतना आपने लिख लिया, रफ कर दूं? यस सर। बाकी लोग बताइए, रफ कर दूं? यस सर। यस यस सर। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला है नॉर्थ डायरेक्शन, आगे लिखते हैं ए सिट्स सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ सी टू पर्संस सिट्स बिटवीन बी एंड ए डी सिट्स सेकेंड टू दी राइट ऑफ बी मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ए ई हु सिट्स सेकेंड टू दी left of A is at fourth position from one of the extreme end. थ्री पर्संस, आप लोग साथ में नोट डाउन कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ नोट डाउन करिए, थ्री पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड बी, ई एंड एफ आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। ये नोट डाउन हो जाएगा, सॉल्व मत करिए आप लोग, सिर्फ नोट डाउन करिए, नोट डाउन हो जाएगा तो मुझे बताइए। डन। सर हो गया, ये हल्टी की नाली का शेक ड्राइवर ला बटन। ओके ओके नील, बाकी लोग का हो गया क्या? यस सर। हो गया सबका, रफ कर दूं? रफ कर दूं यहाँ पे, बताइए हो गया? मैम लिख रहे हो? यस सर। कितना बाकी? नहीं लिख लो, लिख लो आप, लिख लो लिख लो, ठीक है मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो आप लोग सॉल्व मत करिए, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, बाद में आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। देखो ये अनसर्टेन टाइप का जो नंबर, मतलब का नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको आपको जैसे पढ़ रहे हो आप वैसे ही आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलना है, क्योंकि इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे बोला है सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में कुछ पर्सन यहाँ पे बैठ रहे हैं, बट उन्होंने बताया है क्या कि मतलब 9 पर्सन बैठ रहे, 8 पर्सन बैठ रहे या सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठ रहे, बताया है क्या यहाँ पे? नहीं सर। उन्होंने बोला सर्टेन नंबर ऑफ, लेकिन उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया। तो बोला है फेसिंग टू द नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब ये हो गया, नए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये साइड में जाऊंगा तो राइट कहलाऊंगा और पीछे साइड में आऊंगा तो लेफ्ट कहलाऊंगा, क्योंकि ये नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन बोला है। तो देखो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है सेकंड लेफ्ट, मतलब पीछे आएगा कि नहीं आएगा? देखो लेफ्ट यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग है, पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के रेस्पेक्ट में ए सेकंड लेफ्ट में है, क्लियर है कि नहीं पहले ये बताइए? यस सर। और
एक पॉसिबिलिटी इसमें लेके नहीं चलना है, साथ ही साथ हमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलना है, दो चीज साथ में लेके चलना है, क्योंकि आपका ये टाइम सेविंग करेगा प्लस आपको दिमाग में जम्बल होने नहीं देगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखो कि दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलना है, आप ओवर स्मार्ट मत बनो एक पॉसिबिलिटी लेके, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको ये समझा क्या कि मैंने लेफ्ट में क्यों लिया ए को? ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर एक बार वापस समझाइए ना। देखो ज्योति, यहाँ पे बोला ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी बोला है ना, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है सेकंड लेफ्ट में है किसके, सी के। तो लेफ्ट डायरेक्शन देखो, नॉर्थ बोला है ना, नॉर्थ में लेफ्ट किधर आता है? मेरे साइड आएगा, ये साइड में, ये साइड में लेफ्ट आता है ना। यस, तो मैंने ए को मेरे साइड बिठा लिया, अगर राइट होता तो वो साइड बिठा देता, सेकंड राइट, तो राइट ये साइड आता है ना, देखो राइट वो साइड है, राइट वो साइड बिठाना, लेफ्ट ये साइड बिठाना, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, समझा। ठीक है, तो अभी ना दो पॉसिबिलिटी ले लो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलो, ठीक है, साथ में लेके चलो, नए और ओल्ड दोनों स्टूडेंट साथ में लेके चलिए। आगे पढ़ते हैं, टू पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड ए, दो बंदे बैठे हैं बी और ए के बीच में। तो एक बात बताओ, यहाँ पे दो बंदे बिठा सकता हूँ कि नहीं, दो बंदे बी करके यहाँ पे? Yes, yes. ए और बी में दो बंदे बैठे तो मैं ऐसे करके बिठा सकता हूँ ना? हाँ। और एक दो बंदे यहाँ पे बैठे ऐसे करके भी तो बिठा सकता हूँ, पीछे भी तो आ सकते हैं ना। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी लिया हमने, चलो आगे बढ़ते हैं। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, डी जो है सेकंड राइट में। तो एक बात बताओ नए स्टूडेंट, ये नंबर वन वाला डायरेक्शन यूज करूंगा या नंबर टू वाला डायरेक्शन यूज करूंगा, बताओ जरा? नंबर वन, नंबर वन, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो राइट बोला है तो ऑब्वियसली नंबर वन आएगा क्योंकि राइट ये साइड आता है ना। ठीक है, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी का सेकंड राइट में कौन है? डी है, तो यहाँ पे मैंने बिठा दिया एक दो, सेकंड बोला ना एक दो बिठा दिया, यहाँ पे भी तो आएगा ना डी, क्लियर हुआ सबको? यहां तक बताइए, किसी को डाउट है क्या नए स्टूडेंट एंड ओल्ड स्टूडेंट में? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, मोर देन वन पर्सन, हाँ मैम बोलिए। बी वाला बोला है डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, क्वेश्चन में क्या बोला है? डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के रेस्पेक्ट में डी जो है सेकंड राइट में, तो बी का रेस्पेक्ट में डी सेकंड राइट में है, तो टू पर्सन सिट्स बिटवीन ए और बी। हमने पहले क्या मिला था, हमें यहाँ पे हमें क्या मिला था, ए और सी मिला था सिर्फ, बरोबर, ए और सी मिला था ना, बोला है दो बंदे बैठे ए और बी के बीच में, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये तो दोनों सेम हो गया ना, एक दो बी यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं? एक दो बी यहाँ पे भी तो बैठ सकता है ना, इधर भी हो सकता है बी, दो पर्सन बिठाना है तो इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो आप? इसके लिए दोनों लेके चलना है, और डी बोला है सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो राइट मतलब डी इधर भी हो सकता है, सेकंड राइट तो इसका ही उधर ही होगा ना, और बी का सेकंड राइट इधर ही होगा, बट ऑब्वियस, बट ए और बी के बीच में बोला है क्या कि ए मतलब बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बोला है क्या ऐसा डेफिनेट बोला है क्या? नहीं बोला है, बस इतना बोला है ए और बी के बीच में दो लोग है, तो ए और बी के बीच में दो लोग, तो बी यहाँ पर भी बैठ सकता है, पीछे भी तो आ सकता है ना, तो ये मैंने दो पॉसिबिलिटी ली है, क्लियर है अभी तक? यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर है ना सबको? मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी और ए, बोला है एक से ज्यादा बंदे बैठेंगे डी और ए में, तो बट ये सेकेंड पॉसिबिलिटी में आप देखो, क्या एक से ज्यादा बंदे बैठे हैं क्या डी और ए के बीच में? नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और एक से ज्यादा डी और बी, ए और डी के बीच में बैठे कि नहीं यहाँ पे एक से ज्यादा? पॉसिबिलिटी नहीं चल रहा है, तो हम लोग ये पॉसिबिलिटी को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी लेते हैं ना हम लोग हमेशा। तो मैंने ये समझ गया मुझे कि सेकेंड वाला पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, इसके लिए मैंने ये दोनों पॉसिबिलिटी साथ में ले लिया, क्योंकि हम दो लेके चलते हैं साथ में, क्लियर है ना सबको यहाँ तक? हाँ, ठीक है। नए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो, बोला है ई हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखो जब भी आपको हु वर्ड्स आते हैं, हु वर्ड्स के पहले वाला जो वर्ड्स होता है मतलब सेकंड पर्सन या तो फिर जस्ट पहले वाला पर्सन,
जो होता है उसके बारे में हु लिखा होता है, ठीक है। अगर इज बोला होगा तो फर्स्ट पर्सन के बारे में लिखा होगा। अब इसका यूसेज बताता हूं, देखो बोला है ई हु, मतलब किसको बोल रहा है वो, ई को बोल रहा है ना, यस ई को बोल रहा है ना, मतलब जस्ट देखो या तो सेकंड पर्सन होता है या जस्ट उसके पहले वाला, तो ई को बोल रहा है ना, ई हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब इज लगाया, देखो इज किसको बोल रहा है वो, ई को बोल रहा है या ए को बोल रहा है, ई को, ई को। नए स्टूडेंट्स बताओ जरा, ई को, नहीं नए स्टूडेंट, नए स्टूडेंट से पूछ रहा हूं मैं, नए स्टूडेंट्स बताइए, देखो रोहन रोशन एको सर, इको ओके, बाकी लोग बताइए, ज्योति किसको बोल रहा है ये बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे रोको यहाँ पे, नहीं समझा अरे के बारे में ही बात हो रही है ना सर इधर, अरे प्लीज आप लोग बोलिए ना प्लीज, नहीं समझ रहा तो बोलिए, समझ रहा तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। ई हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, देखो हु मतलब लगाया और ई हु के पहले जो भी वर्ड सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था हु के पहले, ई था, तो वो ई की बात कर रहा है। बट आगे वाले सेंटेंस से पढ़ो, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, वापस इज लगाया, इज लगाया कि नहीं लगाया, हाँ सर, तो वो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन डिनोट करेगा, फर्स्ट पर्सन कौन है, ई है, और सेकंड पर्सन है ए, समझ गए आप। तो इज जब भी लगेगा तो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेंगे, हु जब भी लगेगा तो उसके पहले वाला डिनोट करेंगे या सेकंड पर्सन को डिनोट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, नए स्टूडेंट, यस सर, ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लो नए स्टूडेंट, ये वाला हो जाएगा तो मुझे बताइए। हो गया, लिख रफ कर दूं, यस यस कर दो। चलो क्वेश्चन में देखते हैं, ई हु मतलब हु लगाया, किसकी बात चल रहा है वो, ई की बात चल रहा है। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट मतलब पीछे की साइड में आएगा ना, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यहाँ पे भी ले लो, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, क्लियर है, ठीक है। एंड is second to the left of A is at fourth position from one of the extreme end, is लगाया, वापस वो E की बात कर रहा है, is लगेगा तो first person होगा ना, तो बोल रहा है कि E जो है वो second to the left of A है और one of the position fourth from मतलब extreme end से है। तो एक बात बताओ, E जो है fourth position कोई एक extreme end से होता है, extreme end का मतलब होता है या तो ये कोना होता है या तो ये कोना, एक्सट्रीम एंड इसको ही बोलते हैं ना, इस कोने को एंड को बोलते हैं एक्सट्रीम एंड, और ये वाले एंड को बोलते हैं, दो ही एक्सट्रीम एंड होता है, बरोबर ना, यहाँ से शुरू करो या यहाँ से शुरू करो, हाँ बोलिए मैम, मैम बोलिए क्या डाउट है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया प्लीज, थोड़ा सा ये क्लू बन जाएगा ना सर, अगर एक्सट्रीम में आपको बता रही तो ये क्लू बन जाएगा, नहीं नहीं क्लू नहीं बनेगा, वो डायरेक्ट बन जाएगा। कौन अभी अभी किससे ज्वाइन किया बताइए, नाम बताइए। अच्छा मैं जॉइन किया जगन्नाथ बेहरा। जगन्नाथ आप लेट क्यों हो गए बताइए। सर थोड़ा सा लेट हो गया सर, जॉब से आने के बाद। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो वैसे भी पहला क्वेश्चन चल रहा, कोई बात नहीं, अब ये पहला क्वेश्चन है, वैसे भी पहला क्वेश्चन है, तो वापस के ऊपर क्वेश्चन लूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। चलो ओके, थैंक यू। वैसे भी रिकॉर्डेड को आपको ये मिल जाएगा लेक्चर, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, बोल रहा है ई सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो कोई भी एक एक्सट्रीम एंड से जो ई है वो चौथे पोजीशन पे बैठेगा। तो मुझे एक बात बताओ, एक्सट्रीम एंड कितने होते हैं, दो ही होते हैं ना, एक लेफ्ट एंड होता है और एक राइट एंड होता है, ये दो ही एंड होते हैं ना। अगर मैं राइट एंड से देखूं, क्या ई का पोजीशन फोर्थ हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। अगर फोर्थ होता तो वो सी की जगह पे बैठता, तो बचा कौन सा एंड, लेफ्ट एंड बचा, तो चौथा पोजीशन पे डाल दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हो गया कि नहीं। अभी ये एंड फिक्स हो गया, अब ये एंड से यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये एंड एक्सट्रीम हो गया, समझ गए, क्लियर है, समझे कि नहीं समझे,
yes, अभी बताइए यहाँ तक किसको डाउट है क्या, नए स्टूडेंट एंड ओल्ड स्टूडेंट में? नो सर. ठीक है, बोला है थ्री पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में तीन बंदे बैठे हैं. तो देखो अभी तक का हमारा जो डायग्राम बना है सब कुछ सेम सेम बना है ना? हाँ, तो पोजीशन देखो. yes, हाँ, अभी एफ और बी के बीच में तीन लोग बैठे हैं. तो देखो एक दो तीन, एफ के लिए खाली जगह मिला हमें, तो यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? बट यहाँ पे भी तो बिठा सकता हूँ ना? यस यहाँ पे भी बिठा सकता हूँ, समझ रहे हो ना? यस सर. ठीक है, अभी आगे पढ़ो. हाँ बोलिए, डाउट है क्या? एफ और ए के बीच में बोला है ना सर कि तीन बंदे? नहीं नहीं, एफ और बी के बीच में बोला है. ओके, एफ और बी, एफ और बी लिखा है ना सभी लोग ने एफ और बी लिखा है. ठीक है, यस यस. चलो, ई एंड एफ आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. एडजेसेंट मतलब क्या होता है पता है? बाजू बाजू में. ई और एफ बाजू बाजू में नहीं बैठेंगे, बट ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो ई और एफ बाजू बाजू में बैठ रहे हैं ना? हाँ. तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना? यस सर. और ये हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी राइट हो गया. क्लियर हो गया सबको? यस सर. ठीक है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस देखो कितने कैसे आते हैं. अगर पूछेगा क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, तो मैं आपके ऑप्शन देता हूँ. हाँ कितना होंगे? 13. चलो ऑप्शन देता हूँ, 6, 13, 7, 9 और none of this. बताओ. 13. सबका 13 ही आएगा? Yes. यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो. मैक्सिमम पूछा है, बरोबर? मैक्सिमम कितने बंदे बैठ सकते हैं, जितनी जगह होगी उतने ही बैठेंगे ना? तो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो ये हो जाएगा 13 हमारा. क्लियर हुआ? Yes, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन क्यों लिया हूं मैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, 13 तो आपको देगा ही देगा, प्लस जितने बंदे बैठे रहेंगे उसका भी ऑप्शन देगा. तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल तो राइट बना लेंगे लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे. अरे पूछा मैक्सिमम नंबर, मतलब इतने बंदे बैठे वही मैक्सिमम है, तो 6 में मार के आ जाते हैं. डिफरेंसेस समझो, मैक्सिमम नंबर ऑफ बोला है, कितने से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितने बंदे बैठ सकते हैं, ऐसा बोला है क्वेश्चन में. तो क्वेश्चंस को समझो, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछू नए स्टूडेंट्स और ओल्ड स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन दो, जवाब दो यहाँ पे, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी. नए स्टूडेंट्स बताइए. एफ. डी. हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी. अच्छा दयाना बताओ जरा. डी है. ज्योति आपने बता दिया, चलो ठीक है. रोशन क्या आंसर आएगा? रोशन क्या आंसर आएगा? सर डी. देखो हाँ हाँ नील बोलो. सर डी आएगा सर. हाँ देखो यहाँ पे बोला हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी का सेकंड राइट है बोला है, और हमारा डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ है ना? नॉर्थ फेसिंग. नॉर्थ है तो राइट तो वो साइड आएगा, तो सेकंड राइट में डी आ गया, तो हमारा ऑप्शन आ गया डी. अगर आपको पूछता है हु सिट्स, अगर सपोज करो अपर क्वेश्चन में पूछता है हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो आप किसको टिक करते हैं? ए. नए स्टूडेंट्स थर्ड टू द लेफ्ट ए हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट पीछे आएगा ना? क्लियर है सबको? चलिए रफ कर दूं, ये सैंपल क्वेश्चन था, आप ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज. सैंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए. इसके ऊपर एक प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ. अभी मैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चन का एक टचअप दे रहा हूँ, उसके बाद में हाई लेवल के क्वेश्चन लूंगा. आपको समझ में आ गया ना अनसर्टेन नंबर को कैसे सॉल्व करना है? पढ़ना है और सॉल्व करना है.
चलो हो गया सबका लिख के? यस सर। ठीक है, रफ कर दो आप लोग, आप लोग वो समझा तीनों लोग। ठीक है, क्वेश्चन इसके बाद सेम दूंगा, सॉल्व कर लेते। ठीक है, बाकी लोग को समझ में आया ना? यस सर। चलिए यस सर, अभी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ले लो आप लोग, देखते हैं सॉल्व हो रहा है नहीं। सर ऐसे ही सॉल्व करने का है ना? हाँ, जैसे आपको अनसर्टेन नंबर पूछेगा उसको वो हिसाब से सॉल्व करना है। लिखो यहाँ पे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग in a row facing north as seats third to the right of M, three persons sits between M and T, M or N. T sits second to the left of M. One person sits between N and Q, who is not an immediate neighbor of S. Q sits at one of the extreme ends, not more than two persons sits between Q and S. इसको सॉल्व करिए आप लोग। डन सर। वेरी गुड मैम, बाकी किसी का हुआ? यस सर। वेरी गुड सुप्रिया मैम। चलो हमारे हमारे नील, मैं आपका ही नाम लेने वाला था, हमारे शार्प शूटर में से नील का नाम आता है। बाकी कोई? अंकुर पांडे, अनिमेश यादव,
जगन्नाथ आपको ये समझा क्या लास्ट वाला क्वेश्चन, आप लेट आए थे ना? हाँ सर, ये थोड़ा मैं कोई बात नहीं, पहले वाला इसके पहले वाला आपको समझ में आया था क्या, क्वेश्चंस मिले थे क्या आपको? नहीं सर नहीं। कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चन देख लो, सेम ही क्वेश्चन है, सेम टाइप है। एक बार आप ये समझ जाओगे ना तो रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना, उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। रचना पवार आपका हुआ क्या, फर्स्ट लेक्चर है क्या आप? फर्स्ट लेक्चर है ना आपका रचना पवार? नहीं फर्स्ट लेक्चर नहीं है, एक्चुअली मैं लाइव लेक्चर नहीं। ओके सॉरी सॉरी, आप वही हो, मैं भूल जाता हूँ। वैदवी वैदेही आप नए हो क्या? नहीं सो, मेरा ही पहला हो गया सर। दो मिनट। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। नहीं बन रहा? हाँ बोलो। लास्ट वाला कौन सा? वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, कोई भी एक एंड से क्यू सीट होगा। वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, दो ही एंड होता है ना, एक राइट एंड होता है लेफ्ट एंड होता है, कोई भी एक एंड में क्यू बैठेगा, क्यू सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, कोई भी कोने में बैठेगा, या तो राइट एंड के कोने में बैठेगा क्यू, या लेफ्ट एंड के कोने में बैठेगा। तो आप ऐसे सॉल्व करो। दो पॉसिबिलिटी में कोई एक कटेगा, फिर देखो जरा, दो पॉसिबिलिटी में कोई एक कटेगा। बन कैसे कर रहे हो? हाँ तो खड़ा खड़ा मत करो, नहीं हो जाएगा, ऐसा लाइन मत मारो, ऐसी प्लेसिंग करो जैसे मैं प्लेस करता हूँ ना, ऐसा ऐसा कैसे करता हूँ मैं प्लेस, यहाँ पे ऐसे ऐसे करता हूँ ना, सेफ लाइन, बस वो क्लियर होता है। आप क्या करते हो, आप लाइन करते हो, आप फिर यहाँ पे नाम लिखते हो, फिर लाइन करते हो, वो कंफ्यूजन होता है। आप नाम करते हो उसके नीचे भी लाइन करो, तो एटलीस्ट समझे तीन है, एक सेम पैटर्न बना दो, सिक्स पैटर्न। मैं समझाता हूँ फिर, हो गया सबका? हाँ सर। ओके चलो मैं रफ कर दूं, सॉल्व करूं इसको मैं। यस चलो मैं रफ कर रहा हूं, क्या बनी बना? देखो यहाँ पे बोला सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सेम चीज है। एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एस जो है थर्ड राइट में है किसके? एम के। एक दो तीन, एस जो है थर्ड राइट में किसके? एम के। एक दो तीन, दो पॉसिबिलिटी लिया, क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ सर। थ्री पर्सन सिट्स बिटवीन एम और एन, तीन बंदे बैठेंगे एम और एन के बीच में, तो एक दो तीन एन यहाँ पे भी बैठ सकता है, या तो फिर एक दो तीन एन तो यहाँ पे भी बैठ सकता है ना, बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता बताइए। यस सर। ठीक है, वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन और क्यू, एन और क्यू के बीच में कोई एक बंदा बैठेगा, तो एक बात बताओ मुझे, आ गया थ्री पर्सन सिट्स एम और एन, एक दो तीन, ठीक है। वन पर्सन टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, टी जो है सेकंड लेफ्ट है एम का, तो टी जो है सेकंड लेफ्ट मतलब इधर ही आएगा ना पीछे, एम के सेकंड लेफ्ट में टी। हाँ हाँ एक मिनट बोलो क्या हुआ? हाँ S sit third to the right of M, M के राइट में थर्ड आएगा, आपने पीछे ले लिया, आपने लेफ्ट ले लिया, राइट मतलब ये साइड, राइट मतलब आपका राइट हैंड, आपके राइट साइड में आएगा। हाँ तो आपने उल्टा लिया ना, आपने उल्टा लिया, यहाँ पे लिखा S sit third to the right of M, M के थर्ड राइट में S आएगा, आपने S के थर्ड राइट में ले लिया। चलो यहाँ पे देखो, T sit second to the left of M, यहाँ पे टी को ले लिया, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में, यहाँ पे भी तो टी आएगा ना सेकंड लेफ्ट में,
यस सर ठीक है. वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड क्यू. एक बंदा बैठेगा एन और क्यू में. बट एक बात बताओ, यहाँ पे एक बंदा बैठेगा क्यू में, बिठाना है मुझे, बट यहाँ पे ऑलरेडी टी बैठा हुआ है, तो क्या मैं क्यू को बिठा सकता हूँ? नहीं सर. तो मैं पीछे ही बिठाऊंगा ना, वन पर्सन सीट बिटवीन एन और क्यू. यस सर. यस सर. बरोबर की नहीं? ठीक है. अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो एन और क्यू, यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? हाँ सर. यस सर. ठीक है. अभी ये चीज देखो, यहाँ पे ऐसे था ना ऊपर वाला पजल, ऊपर वाला यही था ना, बट क्यू यहाँ पे भी तो बैठ सकता है ना. यस सर. क्योंकि पॉसिबिलिटी तो ये भी बन रही है कि अगर क्यू एक बंदा बैठेगा एन और क्यू में, तो ये तो बैठ ही रहा है, प्लस उधर भी तो बैठ सकता है ना, उल्टा भी तो बैठ सकता है. यस सर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मैम? नहीं समझ में आ रहा है? yes. क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ? कौन सा लाइन पढ़ो, लाइन पढ़िए ना. वन पर्सन सिट्स बिटवीन एन और क्यू, मतलब एन और क्यू के बीच में एक पर्सन बैठेंगे, बरोबर. तो एक बात बताओ, ऐसा डेफिनेट बोला है क्या कि राइट साइड में होना चाहिए? लेफ्ट साइड में भी तो हो सकता है ना. तो मैंने क्या किया, एक बार क्यू के लिए यहाँ पे जगह था तो बिठा दिया, बट वही सेम है, सेम डायग्राम है, बट क्यू आगे भी तो बैठ सकता है ना, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है ना. बट ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो, एन और क्यू के बीच में इस साइड बैठ रहा था कि ऑलरेडी टी बैठा हुआ था, तो मैं बैठा नहीं पाया, बट यहाँ पे एक ही था ना, इसलिए बैठा दिया. क्लियर है सबको यहाँ पे? बताओ जरा स्टूडेंट. यस सर. चलो, क्यू सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. क्यू जो है कोई भी एक एक्सट्रीम एंड में बैठेगा, तो ये समझ जाओ कि ये हमारा एक्सट्रीम एंड है क्यू, और ये हमारा एक्सट्रीम एंड है क्यू का. बट ये क्यू एक्सट्रीम एंड में है क्या? ये नो नो कट हो जाएगा. क्लियर? यस. बोला है नॉट मोर देन टू पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू और एस. क्यू और एस के बीच में दो से ज्यादा बंदे नहीं बैठेंगे. तो बताओ जरा क्यू और एस में इधर कितने बंदे बैठे हैं? दो बैठे हैं. और दो से ज्यादा नहीं बिठाना है, तो हमारा ये राइट हो जाएगा ना, बरोबर की नहीं? ये हमारा राइट हो जाएगा ना. और ये क्यू और एस के बीच दो से ज्यादा बंदे बैठे हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग. ये हमारा हो गया राइट. सबका ये बना था? ओके, वेरी गुड. नोट डाउन करो. यस सर. ओके, नोट डाउन करो. अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो, हाउ मेनी? वेरी गुड. नाइन ही होगा. कम से कम कितने बैठेंगे? तो भी नाइन, मैक्स टू मैक्स भी उतने ही बैठेंगे. तो पहले मैक्स टू मैक्स 18 कैसे लिए थे आपने? मैक्स टू मैक्स भी उतने ही बैठेंगे, कम से कम भी उतने ही बैठेंगे. ये एग्जामिनर घुमा रहा है. कम से कम कितने बैठ सकते हैं? उतने ही बैठ सकते हैं ना, यहाँ पे इतने उतने ही बैठ सकते हैं ना. सर. चलो, क्लियर सबको? हाँ सर. नोट डाउन करो, कर रहे हो कि मैं रफ कर दूं इसको? मैं फाइव किस क्वेश्चन का आंसर होगा कि फाइव नहीं होगा? फाइव होगा ही नहीं. एग्जामिनर नहीं हो? हाँ बता रहा हूँ. वो बोला है मिनिमम और मैक्सिमम, आपको आपको टोटल रो ही काउंट करना है. और अगर आपको ऐसा बोला फाइव क्वेश्चंस करके, ऐसा फाइव पर्सन करके नहीं आएगा, वो आपको ये बोल सकता है कि अगर टी का सेकंड राइट में कौन होगा, एम होगा. एम का थर्ड राइट में कौन होगा, एस होगा. एस का थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, एम होगा. ये क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. अगर वो बोलेगा कि टी अगर सपोज करो लेफ्ट एंड है एक्सट्रीम में, अगर क्यू एक्सट्रीम एंड में नहीं है और क्यू के आगे और दो लोग बैठे हुए हैं, तो बताओ टोटल कितने बंदे हो गए, तो आपको टोटल काउंट करना पड़ेगा. समझ गए? ये एग्जाम में पूछता है. क्लियर है सबको? यस सर. रफ कर दूं मैं इसको? यस सर. नोट डाउन हो गया सबका? मैम आपका समझा यहाँ पे? देखो, ये था सर्टेन नंबर का क्वेश्चंस, और अभी हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लेंगे. चलो, ये बताओ मुझे, अभी हम लोग लेंगे वीक वाले क्वेश्चंस. बताओ वीक्स कितने होते हैं? 12, बरोबर कि नहीं?
कितने होते हैं सर? सैटर्न नंबर वाले और लो ना सर, मैं लूंगा क्वेश्चंस आपको, सिर्फ वो टचअप करने के लिए लिया है क्वेश्चंस मैंने, एक्चुअली इसके हाई लेवल से क्वेश्चंस लेने वाला हूं, तो वो सिर्फ एक नॉर्मल आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया मैंने कि सैटर्न नंबर क्या होता है, फ्लोर्स क्या होता है, मंथ क्या होता है, वीक क्या होता है, ये सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूँ कि इसको टैकल कैसे करना है। एक्चुअल क्वेश्चंस तो हम लोग और आगे लेंगे, और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम से बाहर क्वेश्चन नहीं लिया मैं, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड ही लिया मैं। ठीक है, चलो वीक्स बताओ कितने होते हैं? 52 52 अरे बाबा, मैंने साल में नहीं पूछा, मैंने पूछा नहीं नहीं महीने में भी नहीं पूछ रहा हूँ, वीक्स में कितने डेज़? हाँ यही होता है ना, जनवरी जनवरी फरवरी वाला। हाँ अच्छा रुको जरा, मेरे को एक बात बताओ, वीक्स बताओ क्या क्या होता है? जनवरी फरवरी मार्च यही होता है ना वीक्स? संडे मंडे सर, आप जैसे बोलो वैसे रख लेंगे, नाम चेंज कर देंगे। चलो जागते रहो जागते रहो। चलो अभी हम लोग वीक्स का ले रहे क्वेश्चंस, तो मंडे ट्यूसडे लेंगे, ठीक है? मंडे ट्यूसडे वाले क्वेश्चंस लेने वाले, ये भी एक पजल के टाइप है। चलो इसको मैं बताता हूँ, क्वेश्चंस लिखा के देता हूँ, बाद में मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद और एक क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। चलो पहले लिख लो, सेवन पर्संस बाय प्रोडक्ट एक्स वाई जेड कंपनी एक्स वाई जेड ऑन डिफरेंट डेज ऑफ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 2 Monday to 2 Sunday। G buys the product after Thursday. हाँ जी, थर्सडे। टू पर्संस बाइंग द प्रोडक्ट बिटवीन ई एंड एफ, बी बायस द प्रोडक्ट on Wednesday just before F, two persons buying the product D and C. A buys the product sir हाँ बोलिए ना, just before D। हाँ बोलिए, certain number फिर से लूँगा, लेंगे ना बात, मैं certain number फिर से लूँगा हाँ फिर से लूँगा मैं सारे type फिर से लूँगा sir। Monday से start करना है या बाद में detail में लेंगे? देखो सॉरी क्या बोल रहे हो? मंडे से स्टार्ट करना है या संडे से? नहीं नहीं मंडे से बोला ना, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो आपको कैसा करना पता है, ऐसे लिखना है मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे, और ऐसा आपको ये ऑर्डर मेंटेन करना है, ऑर्डर में बनाना है, और फिर आपको पजल सॉल्व करना है। मैं आपको सिखाऊंगा, आप सॉल्व मत करो। हाँ क्या बोल रहे थे, पूछिए क्या बोल रहे थे आप, किसी का डाउट था क्या? मंडे ट्यूजडे वाला आया तो आपको रो में बनाना है, मंथ वाला आया तो रो में बनाना है, ये सारी चीजें आपको मैं ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ टैकल करने के लिए, और जब मैं हायर लेवल के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करूंगा तो आपका बेस स्ट्रांग होगा कि कैसे बनाना है, तो आप वो क्वेश्चन को आगे इजीली कर पाओगे। इसके लिए मैं आपका ये क्वेश्चंस पहले ले रहा हूँ, क्लियर है? ओके चलो, आपने नोट डाउन कर लिया, रफ कर दूँ इसको मैं? यस
रफ ओके रफ कर दो रफ कर दो ठीक देखो यहाँ पे बोला है 7% buy product XYZ on different day of a week starting from Monday. Monday से start हो रहा है Sunday पे खत्म हो रहा है तो आप Monday ले लो Tuesday ले लो Wednesday ले लो Thursday ले लो Friday ले लो Saturday ले लो और Sunday ले लो सर background किसका तो बंद करने बोला ना ये मेरे इधर से ही आ रहा है थोड़ा सा लीजिए खत्म हो जाएगा मेरे इधर से ही आ रहा है चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लो जी बायज द प्रोडक्ट आफ्टर थर्सडे जी बायज द प्रोडक्ट आफ्टर थर्सडे तो देखो जी जो है वो थर्सडे के बाद प्रोडक्ट बाय करता है तो जी तो फ्राइडे को भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है कि नहीं कर सकता है थर्सडे के बाद बोला है ना जी सैटरडे को भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है कि नहीं yes, sir. और जी संडे को भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है ना तीन पॉसिबिलिटी बन रही है क्लियर है ठीक yes, है बोल रहा है 2% बाइंग द प्रोडक्ट बिटवीन ई और एफ दो बंदे बैठे हैं ई और एफ के बीच में बट एक बात बताओ ये हमें क्लू मिला है यहाँ पे हम कहीं पे भी पुट कर सकते हैं क्या अगर हम पुट करने जाएंगे तो ये बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगा क्लियर है तो हम लोग इसको एज इट इज अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हमें क्लू मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं बी बाय द प्रोडक्ट ऑन वेनेसडे ये फिक्स चीजें हैं कि नहीं कि बी प्रोडक्ट बाय करता है वेनेसडे को तो बी को यहाँ पे पुट करना है क्लियर है यहाँ तक अब बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कौन सा ये पॉसिबिलिटी ले रहा हूं मैम पॉसिबिलिटी है चलो समझ में आया यहाँ तक सबको क्लियर है नए स्टूडेंट्स बताओ जरा यस सर ठीक है बी बाय द प्रोडक्ट ऑन वेनेसडे जस्ट बिफोर एफ तो जस्ट बिफोर मतलब क्या होता है जस्ट एफ के ऊपर बी ने प्रोडक्ट बाय किया है अगर बी वेनेसडे को प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो एफ क्या आएगा थर्सडे को आएगा और तीनों पॉसिबिलिटी को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ इस बात का ध्यान रखो आप क्लियर हुआ सबको यहाँ तक कोई डाउट है क्या नो सर सर बिफोर बोला है ना सर बिफोर बोला है तो ट्यूसडे आएगा एक मिनट क्वेश्चन पढ़ो फिर से बी बाय द प्रोडक्ट ऑन वेनेसडे जस्ट बिफोर एफ बी की बात चल रही है कि बी ने प्रोडक्ट बाय किया था वेनेसडे को जस्ट बिफोर एफ तो एफ के जस्ट बिफोर बी आएगा ना आप क्या कर रहे हो थोड़ा सा पढ़ो ध्यान से एक मिनट रुको सर यस सर चलो क्लियर है सर ऊपर सर ये दोनों दो भी लेफ्ट और एक भी राइट में ऐसा क्यों लिया ये सर पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी है सर पॉसिबिलिटी जैसे हमने कभी देखो अनसर्टेन नंबर में लिया था ना दो साथ में यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा था पॉसिबिलिटी तीन क्यों बना है वो भी बताता हूँ पहला क्वेश्चन पहला लाइन पढ़ो आप जी बाय द प्रोडक्ट आफ्टर थर्सडे आफ्टर थर्सडे के बाद कितने दिन बच रहे देखो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे बच रहा है कि नहीं हाँ तो जी फ्राइडे को भी तो प्रोडक्ट बाय कर सकता है ना हमें पता नहीं है तो हमने जी फ्राइडे को ले लिया सैटरडे को भी बाय कर सकता तुम्हें पता नहीं था तो सैटरडे को भी ले लिया संडे को भी बाय कर सकता इसके लिए मैंने ये तीन पॉसिबिलिटी ले लिया है और साथ ही साथ ये पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चल रहा हूं अगर जो भी कुछ भी होगा इसमें फॉल्ट वो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्लियर है यहाँ तक सबको दो लोग बैठे हैं तो ये हमें यहाँ तक पता नहीं था देखो यहाँ पे ई अभी देखो पहला लाइन पढ़ो आप जी बाय द प्रोडक्ट आफ्टर थर्सडे तो आपने तो लिख तो लिया कि जी फ्राइडे को बिठा लिया एक बार सैटरडे को बिठा लिया संडे को बिठा लिया फिर आगे आपने देखा 2% बाइंग द प्रोडक्ट बिटवीन ई और एफ ई और एफ के बीच में दो बंदे बैठे पर आपको एक बात बताओ कहीं पे भी ई और एफ है क्या नहीं no, नहीं अगर अगर आप ई और एफ को बिठाने जाते हो ई और एफ तो ये पॉसिबिलिटी बैठेगा फिर ई और एफ ये पॉसिबिलिटी कितने सारे पॉसिबिलिटी बैठेंगे इसके लिए मैंने उसको डायरेक्टली नहीं लिया
आपको भी वही करना है, इसको क्लू के तरीके से आपको यहाँ पे साइड में नोट डाउन करके रखना है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कहीं पर भी अगर ई आ गया या एफ आ गया तो आप इसको एडजस्ट कर दोगे। क्लियर है? Okay. आगे लिखा है बी बाय द प्रोडक्ट ऑन वेनेसडे। बी जो है प्रोडक्ट बाय करता है वेनेसडे को, तीनों पॉसिबिलिटी में साथ लेके चलना है। एंड जस्ट बिफोर एफ, एफ के जस्ट बिफोर में लेना है। क्लियर है यहाँ तक सबको? टू अभी देखो एफ आ गया ना, एफ आ गया कि नहीं बताओ जरा। आ गया सर, आ गया। अभी देखो ये भी एफ है कि नहीं? हाँ सर। अभी ये एफ है, यहाँ पे भी एफ फिक्स पर्सन हो गया, तो एफ और ई के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो क्या हम ई को बिठा सकते हैं कि नहीं बिठा सकते हैं? बी के ऊपर बिठा सकते हैं। अभी ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो, एक दो तीन, क्या मैं ये दो लोग बैठे ना ई और एफ के बीच में, एक दो, क्या मैं ई को बिठा सकता हूँ यहाँ पे? नो सर, नहीं बिठा सकता क्योंकि ऑलरेडी जी बैठा हुआ है। तो ऊपर देखते हैं, एक दो तीन खाली जगह बैठा है, बिठा लो। ठीक है, अब सेकंड पॉसिबिलिटी में आ जाओ, एक दो तीन, ई को यहाँ पे बिठा सकते हैं कि नहीं? हाँ बिठा सकते हैं, बट ऊपर भी तो देखो एक दो तीन, यहाँ पे भी तो ई बैठेगा ना। तो मैंने क्या किया, पसर पसर मैम बैटरी लो, एक मिनट होल्ड करिए, वहां से वो सेट से चालू नहीं है ना। हाँ हो गया, हो गया। चलो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एफ और ई के बीच में बोला है दो लोग बैठेंगे। देखो एफ यहाँ पे तो एक ही जगह था, मैंने डायरेक्टली ई को पुट कर दिया, बट यहाँ पे देखो एफ यहाँ पे फिक्स जगह पे है, एक दो तीन, ई तो यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? बट ऊपर भी तो जगह है ना, एक दो तीन ई। तो मैंने क्या किया, छोटा सा ई यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे बना लिया। इससे मुझे क्या समझेगा पता है, ई जो है वो या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, एक दो तीन ई यहाँ पे भी बैठेगा और एक दो तीन ई यहाँ पे भी बैठेगा, मतलब पॉसिबिलिटी बन रही है। तो मैं आगे पॉसिबिलिटी और नहीं बनाऊंगा, जस्ट एक छोटा सा रिमार्क करके रख लिया कि ई जो बैठेगा वो ये दोनों में से बैठेगा, बाकी किधर भी नहीं बैठेगा। इतना क्लियर है सबको? और ये हमारा क्लू भी हो गया, ये क्लू भी हो गया हमारा। ठीक है, देखो बोल रहा है टू पर्संस बाइंग द प्रोडक्ट बिटवीन डी एंड सी। दो बंदे जो है प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं डी और सी में। ठीक है, बट डी और सी कहीं पे भी दिया है क्या? नहीं। बस आगे पढ़ते हैं, ए बाय द प्रोडक्ट जस्ट बिफोर डी। ए जो है प्रोडक्ट बाय कर रहा है जस्ट बिफोर डी। तो एक बात बताओ, अब मैं आपके दिमाग में ये आएगा कि चलो ये वाला क्लू तो ले लिया मैंने, ये वाला क्लू ले लिया, अब ये दो क्लू बचे हैं, अब मैं ये तीन पॉसिबिलिटी में कैसे एडजस्ट करूं? तो आप क्या करो, बेल लगाओ, बोला है ए और डी के बीच में, कट करो फोन, यहाँ पे बोला है ए जो है डी के जस्ट ऊपर बैठा है, तो मुझे इतना समझ में आएगा ना कि मुझे दो जगह ऐसा चाहिए जो खाली हो आजू बाजू में। बोला है ना क्वेश्चन में, ए बाय द प्रोडक्ट जस्ट बिफोर डी, बोला है कि नहीं क्वेश्चन में, बताओ जरा। यस सर। तो ए बाय द प्रोडक्ट जस्ट बिफोर डी, तो मुझे इतना पता है कि मुझे दो जगह चाहिए फिक्स, मैं इसको नहीं छूंगा, मैं इसको छूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसको छूंगा तो पहले क्वेश्चन मेरे जल्दी बन जाएंगे। तो ए डी को मुझे आजू बाजू में दो लोग चाहिए, तो बताओ दो जगह ये खाली है कि नहीं? यस हाँ सर। तो ए और डी को मैं एक बार ले लूं यहाँ पे, ओके ठीक है। अब डी और सी के पीछे कितने लोग बैठे हैं? दो, दो लोग। तो अभी देखो यहाँ पे नीचे तो सी को तो नहीं बिठा सकता, ऊपर बिठा सकता हूँ क्या? एक दो सी, क्या सी बैठेगा यहाँ पे? नहीं। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए,
चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, आप देखो यहाँ पे, अब मुझे ऐसा जो दो जगह चाहिए जहां पे मैं ए और डी को बिठा हूं। अगर मैं ऊपर ए और डी को लेता हूँ, नीचे भी तो जगह है ना, ऊपर नीचे दोनों ए और डी बैठ सकता है, बैठ सकता है कि नहीं? चलो एक बार मैं ऊपर लेके बिठाता हूँ, ए को यहाँ पे ले लिया और डी को यहाँ पे ले लिया। ए और डी के ऊपर तो ले लिया मैंने, बट डी और सी के बीच कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो एक दो कैसी बैठेगा यहाँ पे? नहीं बैठेगा ना। तो ए और डी को इसको हटा दो। अभी ए और डी यहाँ पे लेके देखो, और डी और सी के बीच दो लोग हैं, तो डी से सी काउंट करो, एक दो कैसी बैठेगा क्या? ये भी एलिमिनेट हो गया। अब दो जगह ढूंढो कहाँ पे, दो यहाँ पे है, ठीक है। ए और डी को यहाँ पे ले लो, ले लिया आपने ए और डी, और डी और सी के बीच कितने लोग बैठे? दो लोग। तो एक दो, क्या मैं सी को यहाँ पे बैठ सकता हूँ कि नहीं? यस सर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने बताया था कि ई यहाँ पे बैठ सकता है और ई यहाँ पे बैठ सकता है, बट ऑलरेडी यहाँ पे ए आके बैठ गया, तो ई कहाँ पे बैठेगा? एक ही जगह बचा ना, बॉटम में। हमारा पजल बन गया, क्लियर हुआ सबको? यस सर। नो डाउट सर। यस सर। कर दूं इसको मैं? हाँ सर। चलिए चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप लोग सॉल्व करिए, फ्लोर पे ही, फ्लोर का दे रहा हूं मैं। चलिए लिखिए यहां पे 7%, ये मंडे ट्यूसडे वाला ही दे रहा हूं मैं, 7%, दैट इज पी क्यू आर एस टी यू एंड वी पार्टिसिपेटेड इन ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ऑन 7 different days of the same week. Starting from जहां से आपको स्टार्ट करने के लिए बोलेगा ना, वहां से स्टार्ट करना। यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे बोला तो मंडे से लो, नहीं तो नहीं बोला तो नहीं, एग्जाम में बोलेगा ही बोलेगा, ऐसा नहीं है वहां कि बिना बोले वो स्टार्ट नहीं करेगा, नहीं तो आपका पजल नहीं बनेगा। एग्जाम में या तो मंडे बोल सकता है या संडे बोल सकता है, लेकिन वो बोलेगा ही बोलेगा। एंड एंडिंग ऑन संडे यू पार्टिसिपेटेड आफ्टर आर three persons participated between P and T
Who participated? सर वो क्या है यू पार्टिसिपेटेड आफ्टर आर हु पार्टिसिपेटेड आफ्टर फ्राइडे क्यू पार्टिसिपेटेड बिफोर हैस एंड After you, we participated after tea. Solve करिए इसको. हाँ 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 same 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 Monday Tuesday जैसा है ना वैसे ही बनाना. हो गया मैम. वेरी गुड वेरी गुड मैम. डिंपल मैम आपका हुआ ना? यस सर. ओके वेरी गुड. बाकी लोगों का हुआ कि नहीं? डन सर. वेरी गुड रेनु मैम. थैंक यू. नीता मैम आप कहाँ पे हो? सर हूँ मैं अभी कर रही हूँ. हाँ करो करो. आज तो आवाज ही नहीं सुना मैं तो आपका. मैं बोला आप हो ही नहीं. मुझे तीन लोगों की आवाज आती है इवनिंग वाले बैच में तो नीता मैम रेनू मैम और नील. ये तीन लोग मैं नींद में भी नहीं बोलता हूँ. मैं लोगों की आवाज में पहचान जाता हूँ. डिंपल जोशी का हो गया है. हाँ बोलो मैम क्या हो गया? क्या किसने पूछा डाउट? आपने पूछा? हाँ पूछा. डन सर. वेरी गुड मैम. वैदवी मैम वेरी गुड. बाकी बॉयज में अंकुर पांडे अनिमेश यादव जगन्नाथ नील नहीं बन रहा है. ओके सुप्रिया मैम बना क्या आपका? कर रहे हो सर. ओके सर वो एक कंफ्यूजन हो रहा है सर. बोलिए ना सर. कौन सा? 3% पार्टिसिपेटेड बिटवीन पी एंड टी. वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर. तो हाँ तो सही तो है. 3% जो बैठे हैं पी और टी के बीच में बैठे हैं. हु पार्टिसिपेटेड आफ्टर क्यू. हु मतलब कौन? हु मतलब मैंने बोला था ना जस्ट पर्सन जो होगा बाजू वाला वही टी होगा. तो टी जो बोल रहा है कि वो फ्राइडे के बाद पार्टिसिपेट कर रहा है. तो फ्राइडे के बाद पार्टिसिपेट कर रहा है तो टी कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा? या तो सैटरडे को पार्टिसिपेट करेगा या संडे को पार्टिसिपेट करेगा. तो दो पॉसिबिलिटी मिल रही है. फिर टी मिल गया तो पी तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना. तीन लोग को बिठाओ बीच में. हाँ बोलिए मैम बोलिए मैम. वो आपको डाउट सेंड किया था मैम. कौन सा डाउट था आपका बोलिए ना. मुझे डाउट्स मिल रहा मिला नहीं था बोलिए ना. तृप्ति मैम को सेंड किया था ना. कौन सा सम? वो उनके पास होगा तृप्ति मैम के पास.
ओके ओके मैं ठीक है, आप उनको फिर वापस सेंड करो, मुझे भेजने के लिए बोल दो। और मेरे पास पिक्स है नहीं, डिलीट हो गया है। डिलीट हो गया क्या? एक्चुअली मैं आप लोगों ये जस्ट आपके डाउट्स के रिलेटेड मैंने सर से बात किया, मैंने आज सर ने सर, आपका कैसे छोटे छोटे डाउट्स भी आ रहे हैं, मतलब वो डाउट्स नहीं होता है वो, मतलब सिली सिली, मतलब छोटे छोटे आप डाउट्स, बहुत लोग, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी को पॉइंट आउट पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो छोटे छोटे डाउट जी पूछ लेते हैं, बोलते हैं सर ये डाउट है, वो एफर्ट ही नहीं डालते कि मैं इसको सॉल्व करूँ, क्यों नहीं हो रहा है, एफर्ट नहीं डालते, डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो डाउट है। तो इसके लिए मैंने सर से बात किया है, सर लोग आपका ग्रुप बनाएंगे जिससे घाटकोपर, दादर और डोंबिवली, यहाँ के बच्चे ज्यादा हैं, तो यहाँ पे ग्रुप बनेगा, आपके डाउट्स आते हैं आप वो ग्रुप में सेंड करना, वो उस ग्रुप के बच्चों में से जिसको मतलब सॉल्व कर लेगा वो आप ग्रुप में रिटर्न सेंड कर देगा, जो आप लोगों से नहीं बनता है तभी आप टीचर को अप्रोच करो, समझ गए? क्योंकि क्या होता है सिली सिली डाउट्स पूछा जा रहा है तो वो फिर कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना वो सिली डाउट्स, क्योंकि अगर जैसे मतलब इस टाइप के सब नहीं हुए, मतलब देखो सिलॉक्स में कैसा वो एक्स था, स्टेटमेंट में एक्स देते और कंक्लूजन में वाई देते, तो हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन फाइंड आउट करना होता है कौन सा। नहीं ये मैम लिया था मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मैंने लिए थे, जो स्टेटमेंट में देखो मैंने बताया था ना, आइदर और में क्या होता है, सपोज करो एक्स इज इक्वल टू वाई दिया है, एक्स ग्रेट और ये दिया है, सी ग्रेटर देन वाई दिया है, और यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में बोला है एक्स इज इक्वल टू सी, सपोज करो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट दिया है, और ये दोनों रॉन्ग हो जाता है, आप यहाँ मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिक्शन सेम होना चाहिए मैंने बोला था ना आपको, बट आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट सेम है ही नहीं। मैं सिलॉक्स की बात कर रही हूँ। सिलॉक्स में आपका वो गांधी वाला था क्या, सम बापू इज नॉट, वो वाला था क्या क्वेश्चन? नहीं तो मतलब स्टेटमेंट में पता कुछ एक्स देते थे और कंक्लूजन में वाई, तो हमको दोनों को सही कौन सा स्टेटमेंट और कौन सा टॉपिक था, टॉपिक कौन सा था? सिलॉक्स। सिलॉक्स में अगर मैं आपके बात बोलूं, देखो आप कहां से पढ़ रहे हो, नेट से पढ़ रहे हो, ग्रेड अप? ग्रेड अप से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। देखो यहां पे अगर अगर स्टेटमेंट में ऐसा, अगर वेन डायग्राम में सपोज यही दिया होगा ना यही, तो स्टेटमेंट में भी जो होगा ना वो ए बी सी में से ही पूछेगा, आपको डी डी नहीं पूछेगा, मतलब डी नहीं पूछेगा, डी तो है ही नहीं ना यहाँ पे वेन डायग्राम में। काम करती हूं, पूरा उनको सेंड करती हूं, देख लो एक बार। हाँ भेज के रखो, मैं अगर होगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, मैम को रिप्लाई कर दूंगा मैं, आप भेज के रखो ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट्स मिला नहीं मैम आपको, मुझे नहीं, मैंने तुरते आपको बोला, उन्होंने बोला आपको सेंड किया है। नहीं मैम मुझे मिला होता तो पक्का मैं सॉल्व करता, मेरे को नहीं। बहुत टाइम हो गया सर। ओके काफी टाइम हो गया, कोई बात नहीं मैम, आप फिर से भेजो, निकालो क्वेश्चंस भेजो, और अभी आप लोगों का ग्रुप बन रहा है, आप लोग कोई भी डाउट्स हो ना पहले ग्रुप में सेंड करो, अगर ग्रुप में कोई ऐसा सपोज ग्रुप में 10 लोग हैं, एक को डाउट आया वो ग्रुप में डाल रहा है, तो 9 लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे, उनका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ ही साथ जिसने डाउट पूछा उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर वो 9 लोगों से 10 लोगों से नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन टीचर के पास आएंगे, क्लियर है सबको? चलिए ये सॉल्व हुआ किसी का, कि रफ कर दूं इसको मैं? हो गया सर, डन हो गया सर। ओके ओके रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ सर, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर। कोई बात नहीं मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बोला है 7% दैट इज, यहाँ पे देख लो मैम, यहाँ पे देख लो सभी लोग, यहाँ पे 7% that is PQRST and U participated in drawing competition on 7 different days of the same week starting from Monday. So Monday se start kar lo, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Do possibility lenge hum log pehle starting mein. Bola hai you participated after R. यू जो पार्टिसिपेट कर रहा है आफ्टर आर,
हेलो अभी आ रही है ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्लियर है यस सर यस सर देखो आर और यू के बारे में बोला है तो मैं आर और यू को कहीं पे भी ऐसा बिठा सकता हूँ क्या नहीं बिठा सकता सर क्लू की तरह ले लेता हूँ मैं इसको रख लेता हूँ क्लू की तरह और हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कभी भी पजल सॉल्व करते हैं तो जिसका फिक्स पोजिशन होता है पहले उसको पुट करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो फिक्स पोजिशन किसका किसका है बोला है पी और टी का है बोला है थ्री पर्सन पार्टिसिपेटेड बिटवीन पी एंड टी हु मतलब किसको बोला है सेकंड पर्सन या जो पहले बैठा होगा हु के जस्ट टी को बोल रहा है बरोबर की नहीं बताओ नए स्टूडेंट्स क्लियर है क्या हाँ सर तो बोला हु पार्टिसिपेटेड आफ्टर फ्राइडे तो हु मतलब कौन टी तो अगर फ्राइडे के बाद अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो तो सैटरडे को भी पार्टिसिपेट कर सकता है और संडे को भी कर सकता है ना हमको नहीं पता तो दो पॉसिबिलिटी ले लिया और बोला है तीन पर्सन सीट हो रहे पी और टी में अगर टी मुझे मिल गया तो एक दो तीन क्या मैं पी को नहीं बिठा सकता यस सर ठीक है यहाँ तक क्लियर है सबको यस सर चलिए आगे बढ़ते हैं थ्री ये हो गया फ्राइडे क्यू पार्टिसिपेटेड बिफोर एस क्यू जो है पार्टिसिपेट कर रहा है बिफोर एस एंड आफ्टर यू ठीक है तो ये भी क्लू है कहीं पर बिठा सकता हूँ क्या बताओ जरा नहीं बिठा सकता क्योंकि इसका फिक्स पोजिशन नहीं है नहीं है ना आगे बढ़ते हैं वी पार्टिसिपेटेड आफ्टर टी जो वी है वो पार्टिसिपेट कर रहा है आफ्टर टी बट यहाँ पे बताओ ये टी के नीचे वी पार्टिसिपेट करेगा क्या कंडीशन में नो सर नो नहीं करेगा तो यही हमारा 100% यही हमारा राइट बनेगा इसको छोड़ दो फिर तो वी को यहाँ पे बिठा दिया अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे बोल रहा है आर सबसे पहले बैठेगा उसके बाद यू बैठेगा फिर यू यहाँ तो सेम हो गया ना क्लू देखो यहाँ पे सेम हो रहा है कि नहीं यू और यू सेम है ना यस सर ठीक है आर बैठेगा उसके बाद यू बैठेगा यू के बाद क्यू बैठेगा उसके बाद एस बैठेगा तो कितने लोग हैं यहाँ पे देखो एक दो तीन चार चार हैं जगह कितनी खाली है एक दो तीन चार तो हम लोग उसको सिक्वेंस से बिठा देते हैं ना आर पहले आएगा तो आर को पहले बिठा दो यू उसके बाद आ रहा है यू को बिठा दो क्यू उसके बाद आ रहा है क्यू को बिठा दो एस उसके बाद आ रहा है एस को बिठा दो क्या था पजल में बताओ सर ये आफ्टर आफ्टर वाला है देखो सर यू आफ्टर पार मतलब तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट बाद में हो रहा है सब देखो जस्ट बाद में हो रहा है आफ्टर वाला बोला है तो आफ्टर का मतलब क्या होता पता है क्या अगर आफ्टर बोला है तो वो जस्ट भी हो सकता है या फिर दो एक तीन चार तीन चार पर्सन छोड़ के भी हो सकता है समझ गए अगर इमीडिएट बोला है अगर वो इमीडिएट बोलता है तो वो जस्ट नीचे होगा उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा अगर आफ्टर बोला है तो वो जस्ट नीचे भी हो सकता है या फिर उनके बीच में गैप्स भी हो सकते हैं क्लियर है यस सर ओके नोट डाउन हो गया सबका यहाँ पे समझा कितना इजी था पजल कुछ था डिफिकल्टी सर वो आफ्टर वाले में ही फंस गए थे आफ्टर वाले में यही तो पजल है यही तो पजल है आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए ऑब्जर्वेशन लेवल स्ट्रांग रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लो वो देख के समझ में आता है अभी आपका स्टार्टिंग स्टेज है कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो लेकिन बाकी क्लियर है नए स्टूडेंट्स को क्लियर है ना नए स्टूडेंट्स यस सर यस सर ओके रफ कर दो इसको मैम समझा आपको आप लोगों को भी समझा रफ कर देता हूँ चलो अभी हम लोग सीखेंगे फ्लोर वाले टाइप अच्छा एक बात बताओ आपके बिल्डिंग में 7 फ्लोर है ठीक है 7 फ्लोर है तो आप फ्लोर कैसे काउंट करते हो ऐसे काउंट करते हो ना 1 2 3 4 5 6 7 कैसे करते ना ऐसा 1 2 3 ऐसे तो नहीं करते नील तो हर जगह पे बोल देता है यस सर नील कैसा काउंट होता है नीचे ऐसे काउंट होता है ना 7 6
गिनती तो सर सीधी की जाती है ना सर? नहीं सर, फ्लोर में उल्टा होता है ना, ग्राउंड फ्लोर होता है जीरो, फिर वन टू थ्री, इसके तो मैं फ्लोर यूज किया नील। चलो सॉल्व करते हैं फ्लोर वाले क्वेश्चंस, उनको मैं ले लेता हूँ। पहले मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। चलो ले लो क्वेश्चन। मैंने ये मॉर्निंग में क्वेश्चन लिया था क्या, देखो जरा, एम एन ओ पी क्यू आर वाला, 7% 8% नहीं तो ये वो डेजिग्नेशन नहीं, डेजिग्नेशन उसके बाद वाला नहीं, उसके बाद फ्लोर का नहीं था, फ्लोर का नहीं लिया, फ्लोर का नहीं लिया था मैंने, उसके बाद नहीं, मैंने फ्लोर लिया था, फ्लोर लिया था मैंने, 8% MN MNQ वाला ना, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले आप लोग लिखो मेरे साथ, मैं सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद को बाद आपको क्वेश्चंस देता हूँ सॉल्व करने के लिए। लिखो यहाँ पे 8% दैट इज M N O P Q R S एंड T लिव ऑन सेपरेट फ्लोर ऑफ 8 floor बिल्डिंग सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज फर्स्ट फ्लोर। सर वो सेपरेट के बाद क्या लिखा आपने? फ्लोर वो शॉर्टकट लिखा मैंने, चलो लिख लो यहाँ पे पूरा फ्लोर, 8 floor, ये भी फ्लोर लिख लो, फ्लोर यहाँ पे फ्लोर है, नंबर है फर्स्ट फ्लोर, जस्ट अबव फ्लोर इट इज नंबर्ड एज सेकेंड फ्लोर and so on till the topmost floor is numbered as 8th floor. 3 persons live between M and R. Who lives on an even numbered floor? S lives just above R's floor. The number of person lives between S and T is same as person lives between T and P. T lives, दिख रहा ना क्या हुआ कहाँ पे? अब वो आर्स फ्लोर लिव्स, ही लिव्स जस्ट अब वो आर लिव्स बिलो टीज फ्लोर। N lives on an even numbered floor.
चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको फ्लोर जैसे हमने मंडे ट्यूजडे लिया था ना, वैसे ही आपको फ्लोर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मार्किंग करो, दो पॉसिबिलिटी लो, तीन पॉसिबिलिटी जितना बन रहा उतना लो और सॉल्व करो। सॉल्व करो कि मैं सॉल्व करूं, आप बताओ मुझे मैं क्या करूं, सॉल्व करूं या आप खुद सॉल्व करोगे? आपका वीडियो पॉज हो गया सर। पॉज हो रहा है क्या वीडियो? अच्छा एक बात बताओ, मैं ये सॉल्व करूं या आप खुद करोगे? आप बताओ। हम लोग तो हमको नहीं जमा तो हम आपको बोल दिए। ठीक है सॉल्व करो। डन सर, हो गया। ओ वेरी गुड मैम, वेरी गुड मैम। रेनु मैम आपका बना ना? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ बोलिए मैम। हु लिव्स ऑन इवन नंबर मतलब हु किसको बोला है? पहले आप वो देखो, हु किसको बोला है? आर को बोला है ना, तो इवन नंबर मतलब क्या होता है? वो नंबर जो दो से डिवाइड होता है, वो नंबर जो दो से डिवाइड उसको इवन बोलते हैं ना। जैसे दो दो के टेबल में आता है कि नहीं, चार दो के टेबल में आता है कि नहीं, छः दो के टेबल में आता है ना, छः दो के टेबल में आता है कि नहीं। ये कंफ्यूजन जैसा देख रहे थे, मेरे को लगा कि इसको नहीं पता है। सर बिलो बोला तो तुरंत नीचे ना सर? बिलो कहाँ पे बोला है क्वेश्चन में? टी लिव्स आर लिव्स बिलो टी, आर लिव्स बिलो टी, तो तुरंत मतलब तुरंत भी हो सकता है या फिर गैप देके भी हो सकता है। जस्ट बोला है क्या? जस्ट नहीं बोला है ना। आर लिव्स बिलो टी, या तो वो तुरंत नीचे भी हो सकता है या फिर गैप देके भी हो सकता है, उसका ऐसा इमीडिएट बिलो नहीं बोला है, तो वो संभल के करना। हो गया सर। वेरी गुड अनिमेश, वेरी गुड अनिमेश, आपका बनाना।
किसका बना ये क्वेश्चन अभी जस्ट आपने किसने बना हां सर मेरा बना वेरी गुड हां मैम क्या बोल रहे थे बोलो वेरी गुड मैम बाकी लोग का बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर बन गया सर बन गया चलो वेरी गुड नए स्टूडेंट्स में किसी का बना है क्या नए स्टूडेंट्स में वेरी गुड वेरी गुड बाकी ज्योति सिंह रोशन संगारे यस सर ऑलमोस्ट डन ऑलमोस्ट डन वेरी गुड हाँ बोलिए मैम कौन सा नहीं समझा The number of person lives between S and T is the same as the person lives between T or P. S or T में जितने बंदे होंगे उतने ही बंदे T और P में होंगे. Suppose S और T में एक बैठ रहा है तो T और P में भी एक बैठेगा. S और T में दो बैठ रहा है तो T और P में भी दो बैठेगा. तो आपको ऐसा बिठाना है. चलो मैं सॉल्व करा दूं कि आपको टाइम चाहिए थोड़ा और. नहीं सर स्टार्ट करो. चलो सॉल्व करता हूँ. चलो रफ कर दो इसको मैं. हाँ सर चलिए सिद्धेश नहीं बना वो बना था मैंने हमको ही नहीं लिया अच्छा अच्छा पॉसिबिलिटी लिया था दो तीन चार हाँ मतलब बाद में पॉसिबिलिटी लिया और इधर ही नहीं लिया कितने फ्लोर है आठ फ्लोर है ना चलो यहाँ पे देखो 8 7 6 5 4 3 2 1 एट फ्लोर से और एट पर्सन से मतलब ईच फ्लोर पे एक एक पर्सन बैठेंगे हाँ सर ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्लोर पे कोई नहीं बैठा सर क्या हुआ नील कुछ नहीं सर ठीक है यहाँ पे बोला है थ्री पर्सन लिव बिटवीन एम एंड आर हु किसको बोल रहा है मुझे बताओ जरा जो सेकंड पर्सन डिनोट हो रहा है उसको बोल रहा है आर मतलब. आर को ठीक है लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर इवन नंबर मतलब वो नंबर होता है जो दो से डिविजिबल होता है बराबर ना यस ठीक है तो इवन नंबर कौन सा आर आर यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं बताओ जरा इवन नंबर टू है ना हाँ सर ठीक है इवन नंबर फोर भी तो है ना तो आर को यहाँ पे बिठा लो अभी इवन नंबर सिक्स है कि नहीं तो आर को यहाँ पे बिठाओ सिक्स और एट पे भी तो बैठेगा ना इवन नंबर अब इसके बाहर कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या मुझे बताओ जरा नहीं सर नहीं बनेंगी समझा आपको हाँ सर अच्छा नहीं नहीं कोई रॉन्ग नहीं परफेक्ट है ठीक है यहाँ पे देखो थ्री अगर मुझे आर मिल गया है और बोला है थ्री पर्सन लिव बिटवीन एम और आर अगर मुझे आर मिल गया है तो मैं एम को बिठा सकता हूँ ना तो हाँ, एक दो तीन एम यहाँ पे आ जाएगा एक दो तीन एम नीचे आ जाएगा एक दो तीन एम इधर आ जाएगा एक दो तीन क्या मैं एम को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या नो सर ऊपर बिठा लो एक दो तीन एम यहाँ पे आ गया यहाँ तक सबको क्लियर है हाँ सर यस बोला है एस लिव्स जस्ट अबो आर फ्लोर एस जो है जस्ट अबो आर फ्लोर तो क्या यहाँ पे एस को बिठा सकता हूँ क्या मैं नहीं नो सर ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया बाकी एस को बिठा लो यहाँ पे एस यहाँ पे बैठ सकता है जस्ट अबो एस यहाँ पे बैठ सकता है जस्ट अबो और एस यहाँ पे बैठ सकता है जस्ट अबो यहाँ तक क्लियर है सबको यस सर ठीक है तो बोला है द नंबर ऑफ अ पर्सन लिव्स बिटवीन एस और टी में जितने बंदे बैठेंगे उतने ही बंदे एस और टी में जितने बंदे बैठेंगे उतने ही बंदे बैठेंगे टी और पी में मतलब इसका मतलब क्या होता है अगर S और T में अगर एक बंदे बैठते हैं तो T और P में कितने बंदे बैठेंगे एक ही बैठेंगे अगर S और T में दो बंदे बैठ रहे हैं तो T और P में दो बैठेंगे बट एक बात बताओ मुझे कहीं पे भी क्लू मिलेगा क्या S तो मिल गया मुझे लेकिन T और P कहाँ पे बैठा हूँ नहीं मिल रहा है इसको छोड़ दो ऐसे ही छोड़ दो अभी बोला है T lives just above O ये एक बढ़िया क्लू मिला है तो
चलो इसको सॉल्व करते, पहले इसको ले लो। E lives just above O, मतलब ऐसा मुझे प्लेस चाहिए जो दो आजू बाजू में हो। तो इधर देख लो, ये दो आजू बाजू में है कि नहीं प्लेस, बताओ जरा। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो एक बार T और O को यहाँ पे बिठा लो। बताओ जरा टी, एस और टी में कितने बंदे बैठे हैं? एस और टी में कितने बंदे बैठे हैं? एक ही बंदा बैठा है सर। एक बंदा बैठा है, तो टी और पी में कितने बंदे बैठेंगे? सर तो एम के ऊपर पी आ जाएगा सर। हाँ तो यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर सपोज करो ये मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ मैं रफ कर देता हूँ, कहाँ गया ये था। अगर मैं टी और ओ यहाँ पे लेता, इमेजिन करो टी और ओ यहाँ पे लेता, तब बताओ एस और टी में कितने बंदे थे? एक दो तीन चार, बरोबर ना? दो, चार बंदे। चार बंदे, तो फिर टी और पी में भी तो चार ही आएंगे ना, तो क्या मैं पी को यहाँ पे बिठा सकता था क्या दोबारा? नहीं सर। तो ये तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे ले लो टी और यहाँ पे ओ था और यहाँ पे पी बन गया, ये तो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो जगह है ना, सेकेंड वाले पॉसिबिलिटी में देखो यहाँ पे दो जगह है। यस सर। बिठा के देख लो टी और ओ को एक बार यहाँ पे। अब बताओ एस और टी में कितने बंदे हैं? दो। एक बंदे है, एक दो बंदा कैसे है? एक बंदा है, एक ही बंदा। तो टी और पी में कितने बंदे बैठेंगे फिर? एक ही बंदे बैठेंगे। तो क्या मैं पी को बिठा सकता हूँ यहाँ पे? नहीं सर। तो ये हो गया रॉन्ग। अब बताओ टी और ओ को यहाँ पे ले लो। अब बताओ एस और टी में कितने बंदे हैं? एक बंदे हैं। तो टी और पी में कितने बंदे होने चाहिए? तो पी को नीचे बिठा सकता हूँ कि नहीं? ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन जगह है, एस यहाँ पे बिठा के देख लो आप, टी और ओ को यहाँ पे बिठा लो। अब बताओ एस और टी में कितने बंदे हैं? एक। फिर टी और पी के पीछे कितने बंदे होना चाहिए फिर? एक ही होना चाहिए ना। पॉसिबिलिटी बैठ गया, बैठा कि नहीं बैठा है, बताओ जरा। हाँ सर। ठीक है, बोल रहा है टी लिव्स जस्ट अबोव आर, ये तो हो गया हमारा। आर लिव्स बिलो टी फ्लोर, आर जो है बिलो टी फ्लोर के है। तो एक बात बताओ, ये वाली पॉसिबिलिटी में क्या आर टी के नीचे है क्या? ये वाली पॉसिबिलिटी में नहीं सर, ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ना। अब ये वाली पॉसिबिलिटी में देखो, क्या आर टी के नीचे है क्या, बताओ जरा। नहीं। आर लिव्स बिलो टी फ्लोर, टी के फ्लोर के नीचे क्या आर है क्या? आर तो ऊपर है ना सर। हाँ। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। अब ये वाली पॉसिबिलिटी में देखो, आर टी के फ्लोर के नीचे है कि नहीं? हाँ सर। है ना, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी बन सकता है। आगे पढ़ते हैं, एन लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो बताओ एन को बिठाने के लिए हमारे पास कितने फ्लोर बचे हैं? फ्लोर नंबर वन की सर, और फ्लोर नंबर एट, दो फ्लोर है, एक इवन है ना सर एन। तो एक इवन है, इवन हो गया तो एन यहाँ पे बैठ जाएगा और बचा कुचा यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर है सबको? सर मेरा सेम बना था। हाँ सर सेम बना था। वेरी गुड वेरी गुड। नए स्टूडेंट्स क्लियर है क्या ये बताइए मुझे? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। ओके ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग जिसका नहीं हुआ। समझा था? नहीं समझा ऐसा कुछ? आधा हुआ था ऐसा, और वो जो इजिकल वाला प्रॉब्लम हुआ ना, एस और टी और पी में जो इजिकल था। देखिए समझा ना, बाद में कैसे लेना है, क्वेश्चंस को कैसे पुट करना है वो इम्पोर्टेंट है। पजल में जगह पुट करना होता है वो इम्पोर्टेंट है। सीधे समझा आपको? हाँ सर। चलो क्लियर है, रफ कर दूं? हाँ सर। रफ कर दूं? लिखना है क्या? लिखना है, रफ कर दूं ना? बताइए ना, रफ कर दूं? यस 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 सर। देखो यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने सर्कल पढ़ा था जिसमें दो टाइप लिया था, इनसाइड और आउटसाइड। इसका तीसरा टाइप जो मिक्स है वो हमारा पेंडिंग है। और अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा फ्लोर, फ्लोर जिसमें सिंपल फ्लोर लिया हमने एक, और एक जो होता है सेकेंड टाइप फ्लैट वाला।
वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। तीसरा हमने पढ़ा था वीक, जो हमने कवर कर लिया। चौथा क्या पढ़ाया था मैंने? अनसर्टेन नंबर, ये भी कवर कर लिया। जो फाइनल कवर हुआ डबल टिक है, ये सिंगल टिक है, फाइनल कवर नहीं हुआ है। और क्या लिया था मैंने अभी? दो मैंने वीक के लिए, दो अनसर्टेन लिए, एक फ्लोर के लिए है। और अभी क्या लिया क्वेश्चन मैंने अभी? लाइन वाले। हाँ, लीनियर नहीं, अनसर्टेन मतलब वही हो गया लीनियर। बस इतने क्वेश्चन हुए आज। ठीक है सर। ओके, तो देखो अभी हमारा वीक हो गया, अनसर्टेन हो गया, ये तो फाइनल हो गया है। ठीक है, फ्लोर में आपका फ्लैट वाला बाकी है, फ्लैट वन फ्लैट टू। सर्कल में आपका दो ही लिए है ना सर? हाँ मैंने दो लिया, सर्कल में दो ही लिया है मैंने। नहीं, दो ही लिया तो फाइनल का। हाँ, वीक में मैंने सैंपल क्वेश्चन लिए, दो क्वेश्चन लिए, दो है। तो वीक का आपका मतलब बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस का फाइनल हो गया। मतलब कैसे टैकल करना, मतलब वीक का आया तो आप कैसे करोगे? आप मंडे ट्यूजडे ऐसा बनाओगे फॉर्मेट में। ठीक है, अनसर्टेन आया तो क्या करोगे? जैसा स्टेटमेंट दिया वैसा बनाओगे। वो मैंने आपका एक टैकल करने का तरीका सिखाया। तो अभी हम क्या सीखेंगे? मंथ वाला सीखेंगे। मंथ में भी दो आता है, एक सिंपल आता है, एक आता है डबल डेट वाला, डबल डेट वाला आता है। ये हम लोग सीखेंगे, ये हमारा पेंडिंग है। छठवा जो टाइप होता है ईयर का, ईयर का सिंपल आता है, एक होता है एज वाला, एज वाला भी होता है जिसमें इतने एज है, आपको 20 तक काउंट करना है, ईयर दिया होता है, ये करेंगे। तो अभी तक हमारा फ्लोर का फ्लैट वाला बाकी है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। सर्कल का मिक्स बाकी है, ये मैं लास्ट में लूंगा, क्योंकि पहले आपका इनसाइड आउटसाइड स्ट्रॉन्ग कर दूं मैं। पहले जितने भी है ये वाले मिक्स वाले, इसको मैं फिनिश कर दूं, फिर सर्कल का स्क्वायर और ट्रायंगल ये सब साथ में लूंगा, क्योंकि थोड़े टफ होते हैं। फिर लीनियर, फिर डबल पैरेलल रो वाला, ये सब साथ में लूंगा। पहले आपका मिक्स वाला जितना है वो सब कवर करूंगा। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी मैंने पजल लिया था, क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नहीं, डाउट है तो भेज दिया करेंगे सर आपको। अगर डाउट होगा ना, पहले आप पूरी कोशिश करो कि वो डाउट खुद से सॉल्व हो। आप देखो, मैं एक बात बोलू, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, आप ना डिपेंडेंट मत रहो, आदत पड़ जाएगी। बात को समझो, क्योंकि मुझे जो डाउट्स आ रहे हैं, पहले मैं मना नहीं करता था कि डाउट्स भेजो करके, मुझे अच्छा लगता था। डाउट्स कैसा होता पता है लोगों को? मैं बताता हूँ डाउट्स कैसे आ रहे हैं। ए फॉर एप्पल हो रहा है, बी फॉर क्या होता है? बी फॉर क्या होता है? बॉल। बॉल बॉल होता है ना। तो हाँ, एक बात बताओ, इसका भी डाउट्स आ रहा है मुझे। सर ए फॉर एप्पल तो हो रहा है, बी फॉर मतलब एफर्ट ही नहीं डाल रहे क्या? अरे भाई डालो तो सर, एफर्ट एफर्ट तो डालो। अरे बटर ले लो, यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखो, ए फॉर एप्पल हो रहा है, अच्छी बात है, पर बी फॉर बटर होता है। अरे पहले एफर्ट तो डालो। वो क्या करते बताए? ए फॉर एप्पल, बी फॉर नहीं हो रहा है सर, ये डाउट है, ये चलो डाउट मार करो, फोटो निकालो, तृप्ति मैम को भेज दो। अरे ये कोई बात हो गई? हाँ, पहले खुद से सॉल्व करो, सॉल्व करो, 100% एफर्ट डालो। नहीं बनता है, आपके ग्रुप बन रहे हैं अभी अभी, हम लोग अशोक सर मिलके आपको ग्रुप बनाने वाले हैं, घाटकोपर, घाटकोपर वाले, दादर वाले और डोंबिवली वाले ग्रुप बनेंगे। घाटकोपर के स्टूडेंट्स को अगर डाउट रेज होता है तो वो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डालेगा। अगर सपोज करते 10 बच्चे बैठे हैं तो एक बच्चे को डाउट आ रहा है तो 9 बच्चे को ये डाउट्स मिलेंगे, इनडायरेक्टली उनका भी डाउट क्लियर होगा और उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस वो जिसका डाउट रेज हुआ है उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर वो 10 बच्चों में से नहीं बन रहा है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। सर मेरे को भी ऐड करेंगे ना ग्रुप में? सबको ऐड करेंगे, जो लोग है वहां पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ सर। ब्रांच है सर, एक हाँ बोलिए सर। हाँ मैं बोलिए ना, एक ब्रांच में होंगे वो सब, तो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड नहीं करते होंगे ना? नहीं नहीं, अभी आप लोग अटेंड करते हो ना, जैसे दो बैचेस है, मॉर्निंग वाले बैच है और एक आप इवनिंग वाले बैच हो। ठीक है, तो जो लोग अभी देखो मतलब जो लोग फिजिकल अटेंड करते हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं आपके लिए 100% मेरा एफर्ट डालूंगा। मैंने आपके लिए वो ग्रुप बनाने के लिए बोल रहा हूँ, भले वो ग्रुप में 5 ही लोग रहने दो या 2 लोग रहने दो, लेकिन ग्रुप आपके लिए बनेगा, क्योंकि बच्चे ऐड होते जाएंगे दिन पे दिन, कम नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे उसी के स्टूडेंट होंगे ना, मतलब उसमें? हाँ, ऑनलाइन होंगे उन्हीं के स्टूडेंट्स होंगे, या ऑफलाइन वाले भी रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, उनको भी ऐड कर लेंगे, उनको भी डाउट्स क्लियर हो जाने दो।
और वैसे भी गवर्नमेंट ने शायद उसको परमिशन दे दिया स्कूल और कॉलेज के लिए। कब से? 15 तारीख से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, ये 15 और ये 15 से कॉलेज स्टार्ट हो रहे, तो आई थिंक आपका ये मंथ एंड तक आपके क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं। तो ऑनलाइन से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको फिजिकल क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। और फिजिकल होगा तो बहुत बेटर होता है, टाइम सेविंग होती है। जो चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना ऐसे करके, वो मैं फिजिकल में लिखता नहीं हूँ, किसी एक बंदे का व्हाट्सएप नंबर लेता हूँ, ग्रुप में सेंड करता हूँ और वो सब ग्रुप में डाल के वापस हम लोग मोबाइल से तुरंत पढ़ लेते हैं। टाइम बचता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो हो गया ऑलमोस्ट सब कुछ। अभी सब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ गया है तो चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर, कोई डाउट नहीं ना? हाँ बोलिए, किसी को डाउट था क्या? चलो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नए स्टूडेंट्स सबको क्लियर हुआ ना सब कुछ? थैंक यू सर। नए स्टूडेंट्स में क्लियर हुआ ना? ओके ओके ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।